आप मिले हैं नए एप्पल पर्स से, ये वही वाला पर्स है दैट प्लेज म्यूजिक वाया ब्लूटूथ। देखिए बहुत सारे क्रूल जोक्स हैं ऑल अबाउट द एप्पल्स न्यू एयरपॉड मैक्स। सपोजली ये जो इसका केस है, इट्स सपोज टू लुक लाइक अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ अंडरगारमेंट फॉर मेन एंड वुमेन, लेकिन मैंने सोचा आई विल कीप इट अ लिटिल क्लीन, राइट? सो लेट्स नॉट कॉल इट एनीथिंग लाइक दैट। ऑफ कोर्स लेट मी बी एज ड्रामेटिक एज पॉसिबल। यस, दे आर हियर, मेरे साथ हैं द ब्रांड न्यू Apple AirPod Max। ये वो हेडफोन है दैट हैव मेड मोर हेडलाइंस देन डोनाल्ड ट्रंप और हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी। अगर दोनों को एक साथ कर देना तो 2020 में इसने ज़्यादा हेडलाइंस की देन दोज टू। अब बहुत कुछ करना है इस वीडियो में, दीज आर सुपर एक्सपेंसिव। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आर दे वर्थ ट्वाइस व्हाट अदर टॉप ऑफ द लाइन नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन सेल फॉर? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बिकॉज दिस इज नॉट लाइक बाइंग आईफोन्स और आईपैड्स, क्योंकि द साउंड हैज टू बी एक्चुअली इक्वल और बेटर। फिर ये जो केस है और इसकी जो कॉन्ट्रोवर्सी है बिहाइंड द शेप एंड वेदर दे प्रोवाइड इनफ प्रोटेक्शन और नॉट। थर्ड, सबसे मेजर प्रॉब्लम दैट अ लॉट्स ऑफ पीपल हैव बीन पॉइंटिंग आउट कि इसके अंदर ये जो कप है, इसके अंदर लोग बोल रहे हैं कंडेंसेशन वाटर बिल्डअप हो रहा है इनसाइड द कप एंड दे आर रूइनिंग द हेडफोन्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स इनसाइड। तो उसको भी हम लोग ने टेस्ट किया यहाँ पे, उसका भी सवाल का जवाब देंगे। देन द बैटरी लाइफ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं दैट दे आर डाइंग आउट टू क्विकली। एंड लास्ट, should you buy it? वो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ओके, इफ यू आर एन एप्पल यूजर एंड इफ यू आर अ नॉन एप्पल यूजर, शुड यू बाय इट और नॉट? ओके, सब कुछ का सारे सवालों का जवाब होगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ, इसमें जो केस है ना, देर इज नो केस टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ दिस केस। तो थर्ड पार्टी वेंडर्स है ना, ये आपकी न्यू ईयर्स गिफ्ट है फ्रॉम एप्पल, क्योंकि आपके जो प्रोटेक्शन केसेस आएंगे, आई होप यू मेक देम बेटर देन दिस बिकॉज दीज हेडफोन्स विल सेल एंड पीपल विल वॉन्ट अ केस टू प्रॉपरली प्रोटेक्ट These headphones, after all, 60,000 रुपये के headphones हैं। These just don't do a good job of total headphone protection। देखिए holistically speaking, case किस लिए होता है, उसकी क्या functionality होती है? To protect the product। It doesn't do that very well, क्योंकि ये वो करता है कि जो एक button कर सकता था on this, ये enable करता है the headphones to go into a low power mode। Otherwise, there's not much protection। मतलब ये थोड़ा सा cup को cover कर रहा है, लेकिन इसका जो mesh है on top, that is absolutely and totally open। देखिए, you don't need to protect the back or the metal frame because these are absolutely and totally pure tough metal, beautifully built absolutely। But ये जो exposed forever mesh on the top है and the soft cups जो हैं, these could potentially actually need better protection। ये मेरी सोच है। फिर at the very start the case is a downer, I have to say। now let's go on to the design of the headphones themselves and I have to say yahan pe na asli kamal shuru hota hai। the headphones are heavy mind you, लेकिन they are very very comfortable। बहुत snugly fit होते हैं over your ears, very nicely contour करते हैं on your head because of the way that Apple has built the mesh and the way the top part of it is। आपको थोड़ा सा weight लगेगा on your head initially, but they so beautifully fit और balance इनका इतना अच्छा है, they feel really good and work very well even with usage for very very long durations। और since इसमें कोई touch surface नहीं है, आपने कुछ ढूंढना नहीं है as a touch surface, you actually get an actual physical button and an actual physical crown to turn around, then you can be more casual with these, कि आपको कोई problem नहीं कि हाथ suddenly आपका कहीं लग जाता है। What they have in common with the iPhone is no charging adapter in the box। नहीं है, फिर से कर दिया उन्होंने। Now, you know Apple, this is just not done। It takes away the excitement। आप जैसे ही box खोलते हैं, then you don't find that the charger is there because a lot of people may not have the right charger to even get started। यानी कि आपने ये खरीद लिया and then you're going to hunt for a charger or buy it। You are being a very naughty boy Apple because actually इन्होंने कोई audio cable भी नहीं डाला for wired audio in the box। So that also you have to buy separately। Now this is like paying Subway। आप सबवे को बोलो कि मुझे हर इंग्रेडिएंट चाहिए इन योर फुट लॉन्ग ब्रेड और वो आपको जो है भेज देते हैं सिर्फ ब्रेड। आई मीन आई लव दिस ब्रेड बट कम ऑन, आई वॉन्ट इट ऑल ना। ओके, नाउ लेट्स गो टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द साउंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रिव्यू, व्हाट दे हैव इन कॉमन विद द होम पॉड लाइन इज अडैप्टिव एंड स्पेशियल ऑडियो। इसका क्या मतलब है, व्हेन यू प्लेबैक कंटेंट विच सपोर्ट्स दिस स्पेशियलनेस, लेट्स कॉल इट दैट, यू विल एक्चुअली बी ट्रांसपोर्टेड टू अ 3D लाइक एनवायरनमेंट। मतलब एक्चुअली इसको आपको लगेगा कि आपने अपने कानों में नहीं पहना, आपके सबके अराउंड आपके जो है साउंड आ रहा है। यू फील द रियल डायरेक्टिवनेस ऑफ द ऑडियो, उसका सोर्स क्या है, एवरीथिंग प्लेज अराउंड यू। प्लस
बिकॉज इसमें H1 चिप है दैट दे हैव इंस्टॉल्ड इनसाइड दैट मेक्स द एयरपॉड मैक्स साउंड रियली रियली अमेजिंग. आई हैव टू टेल यू आई वाज वेरी सरप्राइज्ड विद द साउंड. ये जो हेडफोन्स आर डॉटेड विद 9 माइक्रोफोन्स हैं इसके अंदर बिल्ट इन. कुछ जो हैं हेल्प करते हैं विद पिकिंग अप योर साउंड फॉर कॉल्स टेलीफोन कॉल्स एंड एवरीथिंग एल्स, बट इसमें 8 जो है ना दे एक्चुअली हेल्प विद नॉइज कैंसिलेशन एंड ऑन द फ्लाई ऑडियो एडजस्टमेंट. यानी कि ये कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं एंड दे आर एडजस्टिंग द ऑडियो एज पर द एनवायरमेंट. एयरपॉड मैक्स जो है ऑप्टिकल सेंसर्स पोजिशन सेंसर्स केस डिटेक्ट सेंसर एंड एक्सेलरोमीटर्स इन ईच एयर कप दोनों में बिल्ट इन है और गायरोस्कोप भी है लेफ्ट एयर कप में. तो इसका मतलब है दे लिटरली नो एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग देम व्हेन यू आर वेयरिंग देम. दे विल एक्चुअली पॉज म्यूजिक जब आप इसको टेक ऑफ करते हैं यू टेक दीज ऑफ. अच्छा एक और चीज अबाउट द साउंड दैट आई हैव एक्चुअली फेल्ट व्हिच इज इंपॉर्टेंट. एयरपॉड मैक्स जो है ना हैव अ वेरी यूनिक साउंड पैटर्न. आप कई ट्रैक्स पे कई साउंड में कई मूवीज में यू कैन एक्चुअली फील द वाइड साउंड स्टेज. वेल यू कांट कॉल देम कलर्ड, मतलब ये नहीं कि बेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं ट्रेबल को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, बट दे आर नॉट एक्सट्रीमली फ्लैट ईदर. सो लेट्स क्लोज इट बाय सेइंग दिस, द साउंड दैट यू गेट आउट ऑफ दिस इज स्टेलर. बहुत 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 अच्छी साउंड है. ये प्रिजर्व करता है और रिप्रोड्यूस करता है द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ साउंड एंड इट इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. एप्पल गॉट इट एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड इट गेट्स इवन बेटर व्हेन यू आर वॉचिंग समथिंग दैट इज वेल प्रोड्यूस्ड. अगर जो ऑडियो ट्रैक है वो वेल प्रोड्यूस्ड है दिस विल रियली डू वेल. मूवीज आर ऑसम ऑन दिस. देर आर मोमेंट्स व्हेन यू स्टार्ट फॉरगेटिंग दैट यू आर एक्चुअली वेयरिंग दीज हेडफोन्स एंड नॉट सिटिंग इनसाइड एन एकूस्टिकली क्रिएटेड थिएटर बिकॉज 3D साउंड डज वेरी वेरी वेल. ओके साउंड के बारे बात हो गई, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बिग फीचर नॉइज कैंसिलेशन. दिस इज द अदर वन राइट एंड देयर इन लाइज द प्रॉब्लम. देखिए ऑलरेडी बेंचमार्क प्रोडक्ट है फॉर एवरीवन आउट देयर इन वायरलेस नॉइज कैंसिलेशन सोनी का XM4. वो है गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ NC हेडफोन्स राइट नाउ. मतलब दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग. चाहे साउंड ले लें चाहे नॉइज कैंसिलेशन ले लें. फिर बोस है दे आर इनक्रेडिबल. सेनहाइजर है दे आर इनक्रेडिबल. तो इज एप्पल बेटर देन सोनी बोस एंड सेनहाइजर? लेट मी मेक अ बिग स्टेटमेंट. इन टर्म्स ऑफ साउंड दीज आर एज गुड एंड इन सम फीचर्स दे आर इवन बेटर. बट इन टर्म्स ऑफ नॉइज कैंसिलेशन दीज आर equal but not better, that's for sure. Plus yaad rakhein AirPod Max ki price hai 59,900 and of course you will have to buy Apple Care, matlab peace of mind accessory wo to aapko khareedna padega. Yani ki you're spending about 67,000-68,000 rupees on these. For that amount of money you can buy 2.5 Sony XM4 headphones with that level of money. और उसके लिए आपको क्या मिलेगा? Amazing build मिलेगा, amazing sound मिलेगा, amazing battery life, amazing noise cancellation and now in front of these amazing value for money. Apple ने Sony को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि कहीं हम लोग अपना जो इतना अच्छा product है कहीं सस्ते में तो नहीं बेच रहे थे इतने time के लिए. Now to one more major question that is doing the rounds, जो कि बहुत important है. Let me reassure you, battery life on these is actually great. It's being made out to be quite bad, but actually it's not. They easily last through a day. मतलब of course कितना आप use करेंगे that's up to you, but I think they're as good as all the others. Now for the other major controversy. Did I end up with getting condensation or water in the inner part of the cup? लोग बोल रहे हैं बहुत हो रहा है उनके साथ. No, I've used them for quite some time. 3 दिन हो गए in fact as my headphone. I've been using these for my music and my movies. मैंने कोई और headphone नहीं use किया. No condensation, no water, nothing. So maybe that's just a one-off case or a two-off case. I will try them out more and get back to you over a period of a month or two. Now for the buying advice part of it. To anybody that is an Apple user, मतलब कोई भी आपके पास Apple का product हो, you already know that you're going to pay a premium Apple tax for state-of-the-art products from Apple. Thus, this is a no-brainer. An Apple AirPod Max hanging around your shoulder is the next big thing in tech, audio, and of course, showing off. Add to that, that these AirPod Max are supremely good at being Apple, which means when paired with other Apple products, they will absolutely excel. Chahe ease of pairing le le, spatial sound le le, amazing sound reproduction le le, amazing noise cancellation le le, beautiful build le le, the quality of Apple, the look and feel, everything is amazing. But sawal ye aata hai, what about non-iPhone or non-iPad users? For them, there is another world out there of noise cancellation headphones jo ke connect karte hain using Bluetooth 5.0 and they have a lot of other choices that are actually
pretty awesome products. Sony है, उनके XM4 है, Bose के Quiet Comfort Series है, PX है from B&W, Sennheiser के बहुत अच्छे noise cancellation headphones है. So well, I would say that you need to try these out. They sound amazing, noise cancellation as good as any of the above, and some of the extra features on this are absolutely excellent. Then there is that factor of those people that want the it thing for now. Thus, up to you. If you want all the things from Apple, then they are actually worth the extra big bucks. Absolutely go for it. Let that be the final verdict. So, what about you guys? Which noise cancellation earphone or headphone do you actually use right now? Kya istemal kar rahe hain aap at the present moment? And are you about to either upgrade them, or are you planning to buy your first ones, a new one? Are you considering these? I'd love to know in the comment section, kyunki ab kya hai noise cancellation headphone ki jo market hai, it's on fire. Kaun jeetega? Apple, Bose, Sony, Sennheiser, या कोई और?